और आप दोस्तों, मैं हूं अम्मे वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे अवतार मूवी की। अवतार फिल्म जो आपने पहले भी देखी है, अवतार वन, अब आई है अवतार टू। अवतार वन और अवतार टू में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अवतार वन अवतार टू से ज्यादा बेहतर और ज्यादा मजेदार मूवी थी। लेकिन अवतार टू सिवाय ग्राफिक के इस फिल्म में आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिल्म इंतहाई बेहतरीन है। इस फिल्म को आप जरूर देखिए। मैं बता दूं आपको कि अवतार वन में जब कहानी आगे बढ़ती है तो उस फिल्म में भी बहुत ज्यादा ग्राफिक से काम लिया गया था, और इस फिल्म को इस तरह बनाया गया है कि ये लोगों की नफ्सियात से जुड़ती चली जाती है। जब फिल्म आगे बढ़ती है तो लोगों को अपने अपने जज्बात से कहीं ना कहीं फिल्म का लगाव नजर आता है। अब देखने वाली बात यह है कि यह फिल्म शुरू तो होती है और उसी तरीके के जो किरदार थे, एनिमेशन था, वही एनिमेशन इस फिल्म में भी आपको दिखाई देगा। अब यहां मैं अदाकारी की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें, इस फिल्म में अदाकारी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक नए स्टाइल की मूवी है जिसमें सिवाय एनिमेशन के कुछ नहीं रखा गया, लेकिन ये आपके जज्बात को दस्तक जरूर देती है, आपको रुला सकती है। ये फिल्म इतनी उम्दा तरीके से बनाई गई है कि इस फिल्म को देखना हर किसी का दिल चाहेगा, और आपने देखा भी है, रिलीज से कबल इस फिल्म ने काफी कमाई की थी और कर रही है। कई सिनेमा हॉल इसके फुल जा रहे हैं। ताहम अवतार देखना एक खुशगवार एहसास होगा। बच्चों को ये फिल्म काफी पसंद आएगी और साथ ही साथ बड़े भी इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म की खास बात यही है कि इसमें ग्राफिक को निहायत उम्दा अंदाज से रखा गया है, और मैं आपको बता दूं, ये फिल्म कहीं ना कहीं जाकर इंसानी जज्बात को जरूर छेड़ती है, और आपको कहीं कहीं आपकी आंखें नमनाक भी हो सकती हैं। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप जरूर अपनी टिकटें बुक करवाइए, क्योंकि ये कहानी बोलने से ताल्लुक नहीं रखती। अगर मैं इसकी कहानी आपको सुनाऊंगा तो आप फिर ये फिल्म नहीं देखेंगे। दरअसल जो अवतार एक है, अवतार टू भी उसी तरह की कहानी है, लेकिन इसमें ग्राफिक्स को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। अब आजकल लोग अच्छी ग्राफिक को काफी पसंद करते हैं। एनिमेटेड फिल्म है, आप इसे देखिए और आप अपना वीकेंड अच्छी तरह इस फिल्म को देखकर गुजार सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसा करने से आपका कुछ जाता नहीं, लेकिन इससे हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार।